होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसी पुन छोश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसी पुन छोश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टॉप इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। हमारे बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। स्टॉप इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी पुंछ, इसी पुंछ, इसी पुंछ। इलीगल माइनिंग, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन। होश में आओ, होश में आओ। बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। बच्चों का कत्लेआम, इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, होश में आओ, होश में आओ। इलीगल माइनिंग, बंद करो, बंद करो। इलीगल माइनिंग, बंद करो। बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। हमारे बच्चों का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। माइनिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय। पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन, हाय। तेरे राज में अंधेर ही अंधेर है, इसी तेरे राज में अंधेर ही अंधेर। प्रोटेस्ट है, ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं है। इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के दो ऑनरेबल हमारे यहाँ मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, यहाँ पर सिविल सोसाइटी के हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पर। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं बैठे। बार पुंछ के लोग अबोव पार्टी पॉलिटिक्स, इन सभी चीजों से उठकर आज अगर आप देखेंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, जमील साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स हैं और जितने भी हमारी समाजी तंजीमें हैं उनके सभी जो आला अहदेदार हैं वो सभी यहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के इस गेट के बाहर आकर नीचे बैठे हुए हैं। और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इस वक्त का दौर जो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिताए पीर पंचार के इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जिसको हम ब्लैक इरा ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, जितने भी इलीगल काम है इस वक्त हो रहे हैं, आज का ये प्रोटेस्ट जो है एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट है, हमारा एंटी पार्टी ये प्रोटेस्ट नहीं है। क्योंकि हम किसी एक पार्टी को एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, जितनी भी सियासी
जितनी भी सियासी समाजी तंजीमें इस एंटी माइनिंग प्रोसेस में शामिल हैं, हम उन सब के खिलाफ इस वक्त खड़े हैं। चाहे उसमें बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उसमें कांग्रेस के लीडर हो, पीडीपी के हो, बीजेपी के हो, कोई भी है, हम उन सब लोगों के खिलाफ हैं जो इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। एंटी माइनिंग जो इस वक्त माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपनी आंखें बंद कर दी, पूंछ के इस दरियाओं में यहाँ पहले लोग नहाते नहीं थे क्या? लोग यहाँ स्विमिंग करने नहीं जाते थे? हमारे छोटे से छोटे बच्चे को यहाँ पर तैरना आता है, स्विमिंग आती है, लेकिन क्या वजह है कि जैसे ही कोई तैरने के लिए इस दरिया में छलांग लगाता है उसके बाद वो वापस नहीं आता है? ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने, अगर आप देखेंगे, अगर आप कानूनी तौर से जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर टेंडर उन्होंने इन्वाइट किए और लगभग 30 से ज्यादा टेंडर उन्होंने इन्वाइट किए, लगभग 20-21 टेंडर जो है वो सिर्फ अभी तक खुले हैं और उनमें से सिर्फ एक टेंडर जो है उसको परमिशन दी गई है, बाकी सभी टेंडर्स को पाइपलाइन में इसलिए रखा गया है कि वो खुदाई भी करते रहे और डिपार्टमेंट को पैसा भी ना देना पड़े। लानत हो इस डिपार्टमेंट के ऊपर जिनकी इस एक्ट की वजह से हमारे बच्चों की जान जा रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट जब भी किसी को परमिशन देगा माइनिंग करने के लिए, चाहे जिसमें सैंड हो, बजरी हो, बोल्डर हो, लेकिन उसमें किसी भी सूरत में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें कभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं होगा। आप एक्ट जाकर पढ़िए। लेकिन यहाँ पर जितने भी माफियाज हैं वो रात को आप अगर देखेंगे मिडनाइट में, तो नजीर साहब ने बखूबी कहा है ये माफिया है। जेसीबी की हम किसी भी सूरत में अब इस दरिया में अलो नहीं करेंगे। जी सर बताएं, जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीसी ऑफिस पे, इसके क्या है? देखिए, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी के पुंछ के लीडरों ने यरगमाल बना के रखा हुआ है और इनलीगल माइनिंग जो है इस वक्त हो रही है और ये सारी जो है जितने भी क्रेशर हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के क्रेशर हैं और 90% जो उनके क्रेशर हैं और उन्होंने इतने खड्डे मार दिए हैं दरियाओं में इनलीगल माइनिंग करके, सारे बगैर कागज वाली जमीन जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके इन्होंने क्रेशर लगाए हुए हैं और पुंछ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो माफिया गैंग तैयार हो गया है उनसे आवाम को बहुत खतरा पैदा हो गया। इसलिए आज हमें मजबूरन डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे इसमें कोई डीसी साहब की ज्यादा कमजोरी थी, असल बात यह है कि जो पहले डीसी साहब थे या उससे पहले, क्योंकि हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ज्वाइन करके वहाँ जाके खड़े हुए हैं कि हम इलीगल माइनिंग और गैर कानूनी काम करते रहे और एडमिनिस्ट्रेशन आँख बंद रखे। अब मजबूरन हमें हल्ला बोलना पड़ा है, आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, आगे हम पूरे इलाके के गाँव के शहर के आवाम को इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ये बीजेपी के लोग बाज नहीं आए, और मैं बीजेपी के आला कमान से जो जम्मू में लोग बैठे हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बजाते खुद आएं, देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को इसलिए बनाया था कि आप हमारे जिंदा बच्चों की कब्रें खोद दें। मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के खिलाफ रखा गया था। इस प्रोटेस्ट के रखने का मतलब था कि हमारे पुंछ में इलीगल माइनिंग इस कदर हो रही है कि उस माइनिंग की वजह से हमारे कहीं बच्चे अपनी जानें खो चुके हैं। किसी स्पेसिफाइड पार्टी को या किसी को आइडेंटिफाई करके निशाना बनाना हमारा मकसद कतन नहीं था। आज के इस प्रोटेस्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के लोग जो है वो आए और आके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हमारे बीडीसी चेयरमैन पुंछ और नगाली साहब यहाँ पे मौजूद रहे और इसके बाद हमारे जो भी पूरी टीम थी जिसने इस प्रोटेस्ट के लिए आगे आए, मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम आप तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों का कत्लेआम बंद नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक धमकी थी, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखेंगे और आपको यकीन जानिए बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीज कर रहे हैं, आपको पता पहले राइट ही बन करते थे और ये हमारा सुनपुर से लेकर जो ये दरिया है और जो पाकिस्तान से आता है फिर पाकिस्तान में चला जाता है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालियां ली हुई हैं क्योंकि पहले काम चलता था, काम आसान था, लोगों को दिहाड़ी बड़ी आराम से बन जाती थी। ठीक है, सब लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं मकानों की, दुकानों की, रोड की, इस वजह से बहुत हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ली हुई है। ठीक है जी, हम यहाँ सीज करके थाने में आते हैं, वो भी चढ़वा के ले जाते हैं, कोर्ट छोड़ता है उसको, आपको पता है, और कितनी हम सीज करेंगे। ठीक है नहीं,
आज की डेट में टोटल जो है ये माइनिंग का हमने बंद रखा है। ₹10,000 सिटी चौहान से हमने किया है, मैं कल का दिखा सकता सर आप, ठीक है हम कल का भी दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। माइनिंग डिपार्टमेंट में जो प्रोसीजर है हम उसी पे चलते हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर हमने सीनियर अफसर बताते हैं प्रोसीजर उस पे चलते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने अपने हर आदमी का अपना कोई प्रोसीजर है, उनने बताया कि आप सीज करो और माइनिंग को दे दो।